क्राइम ब्रांच यूनिट 6 ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में फर्जी जमींदार बनाकर बेल दिलाया करते थे। ये आरोपी फर्जी डॉक्यूमेंट के माध्यम से पैसे लेकर एक ही व्यक्ति को कई फर्जी दस्तावेज के माध्यम से जमींदार बनाकर खड़ा किया करते थे। ये आरोपी एक ही व्यक्ति का फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, सोलवेंसी अलग अलग कंपनियों के आईडी, बीएमसी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, स्टैंप बनाकर जमींदार बनाया करते थे, जिसकी जानकारी क्राइम ब्रांच यूनिट 6 को मिलने के बाद गुप्त सूचना के आधार पर महात्मा फुले नगर मानखुर्द मुंबई से दो आरोपियों गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम अमित नारायण गिजे बंडू वामन कोर है। आरोपियों की निशानदेही पर अहमद कासिम शेख को मुंबई, संजीव सोहनलाल गुप्ता को भिवंडी ठाणे और उमेश अर्जुन कावले को कल्याण ठाणे से गिरफ्तार किया गया। इन पांचों आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड, अलग अलग कंपनियों के आईडी कार्ड, महानगर पालिका के पावती, एक लैपटॉप, मल्टीपल प्रिंटर, मिनी लेमिनेटर, बैंक स्टेटमेंट, सोलवेंसी और कई तरह के सर्टिफिकेट बरामद किए गए। यूनिट 6 क्राइम ब्रांच मुंबई को मिली जानकारी की जानकारी मिली थी कि जो जमींदार रहते हैं, जो अक्यूज रहते हैं, जो जिसको कोर्ट से जामीन मिलने वाला है, ऐसे लोगों को बोगस यानी डुप्लीकेट यानी बना यानी बोगस डॉक्यूमेंट बना के बोगस जमींदार वहाँ पे प्रोड्यूस करके उनको जामीन दिया जा रहा है, ऐसी जो गोपनीय इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके आधार पर यूनिट 6 के जो सीनियर इंस्पेक्टर है सालों के और उनकी टीम ने जो सस्पेक्टेड थे उनके ऊपर रेकी की और उनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेके उनके यहाँ पे उन्होंने रेड किया। रेड करने के बाद वहाँ पे हमें डुप्लीकेट आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट्स और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है वो हमें वहाँ पर बरामद किए गए हैं। उसके साथ ही साथ हमें डुप्लीकेट स्टैम्प भी वहाँ पे मिले हुए हैं कि जो स्टैम्प के ऊपर से डुप्लीकेट जो डॉक्यूमेंट है उसको ओरिजिनल दिखाने के लिए वो स्टैम्प मार के उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करते थे। तो इस केस में हमने अभी तक 5 लोगों को अरेस्ट किया हुआ है और बाकी भी लोगों के इसमें उनका भी यहाँ पे इसमें इन्वॉल्वमेंट होने की पॉसिबिलिटी है, उसको देखते हुए हम बाकी भी लोगों की हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं।